बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ आलू टिक्की। ये प्रेस आलू टिक्की है। आलू टिक्की से जो नॉर्मल आलू टिक्की होती है उससे ये डिफरेंट आलू टिक्की है। और इसको जो है ना, आलू को मैं प्रेस करके बनाऊँगी। आलू टिक्की जो है बनाऊँगी मैं, तो मैं कैसे बनाऊँगी वो तो मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आलू है मेरे पास, छः मेरे पास आलू थे, मैंने बड़े साइज़ के आलू थे छः मेरे पास। उसको मैंने हाफ़ करके ना इस तरह से बॉईल कर लिया। ये हाफ़ करके मैंने इसको बॉईल कर लिया। अब अगर आपके पास छोटे आलू है ना, तो आप इसको हाफ़ मत कीजिएगा, पूरे ही रहने दीजिएगा। मेरे पास बड़े साइज़ के, तो मैंने इसको हाफ़ कर लिया। यहाँ पर मेरे पास 1 कप बेसन है, 1/2 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है, 2 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर धनिया धनिया है और पुदीना है 1 टेबल स्पून, 1 हरी मिर्च है इसको मैंने चॉप कर ली है, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, साथ में ये नमक है हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर हसबे ज़रूरत। मैं इसमें 4 मसाला यूज़ करूँगी, हसबे ज़रूरत है 4 मसाला। तो अब जो है ना, हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक आलू लिया है, मैं इस आलू को पकड़ूँगी और ये जो इसकी ये वाली साइड है ना, इसके इस तरह से खड़ा रखेंगे हम इसको, ठीक है। और इसको मैं हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करूँगी, सिर्फ प्रेस करूँगी, हल्का सा प्रेस करूँगी, ज़्यादा नहीं। ये प्रेस हो गया इस तरह से। एक और आलू लूँगी, इस तरह से खड़ा करके रखना है, हल्का सा प्रेस करना है। और ये टूट जाएगा तो आप खुद ही इसको आपस में जोड़ लें, ये जुड़ जाएगा। इसी तरह से मैं सारे आलू को कर लूँगी। देखिए, मैंने इस तरह से आलू को ना प्रेस कर लिया है। अब मैं जो है इसके अंदर डालूंगी, ऊपर से नमक स्प्रिंकल करेंगे, इस तरह से नमक डालेंगे, ताकि जो है ना ये आलू भी हमारे बिल्कुल सिंपल ना रहे, क्योंकि हमने इसको सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है, इसके अंदर भी फ्लेवर आए, फिर बिल्कुल फीका फीका ना हो। तो इसलिए मैंने जो है इसके ऊपर भी हम नमक और 4 मसाला ये डालूंगी मैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर सारा लगा लेती हूँ, इसके ऊपर से डालूंगी मैं 4 मसाला। ये मैंने डाल दिया। अब जो है हम जो उसको बेसन के ऊपर डाल के हमने जो उसको सो कोट करके फ्राई करना है, हम वो बेसन जो है ना वो बैटर तैयार कर लेते हैं। मैं इस बॉल के अंदर डाल रही हूँ ये बेसन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारी बारी सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी, जितनी भी थी वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। सारी चीज़ें मैंने डाल दी, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ एक बार। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक बैटर तैयार कर, गाढ़ा नहीं रखूंगी मैं और ना ही बहुत पतला, एक दरमियाना सा बैटर तैयार करेंगे, ताकि आलू के ऊपर जो है जो अच्छे से कोट हो जाए। बहुत मोटी मोटी इसकी लेयर नहीं मैंने देनी है बेसन की, के बहुत ज़्यादा हैवी लेयर हो आलू के ऊपर। थोड़ी पतली सी लेयर देंगे, थिन सी लेयर देंगे, हैवी लेयर नहीं करेंगे। तो उसके लिए बैटर उसी हिसाब से तैयार करना है आपने। चलें जी, हो गया तैयार बैटर। देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अब जो है मैं ये आलू जो है, जो मैंने किया है प्रेस, इस तरह से नमक 4 मसाला लगाया है, मैं इसको डिप करूँगी और हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो अब जो है ना, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना ऑयल इसमें डाल दिया है और इसको मैंने गर्म भी हो गया ये ऑयल जो है। अब मैं जो आलू थे वो मैं इसके अंदर डिप कर रही हूँ बैटर के अंदर। और बहुत मैंने आपको कहा हैवी लेयर नहीं देनी बेसन की बिल्कुल, तो इसलिए मैं लाइट सी लेयर दे रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। आलू जो है ना, अगर आपको लग रहा है कि टूट रहे हैं, ऐसे बिखर रहे हैं, तो आप मज़ीद उसको हाथ से दबा लीजिएगा तो नहीं टूटेंगे, सेट हो जाएंगे दोबारा से वो। तो बस मैं इस तरह से सारे डाल दूँगी। देखिए मैंने ये डाल दिए। अब मैं इसको ना गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं इसको करूँगी फ्राई, दोनों तरफ से इसका जैसे गोल्डन कलर आ जाएगा और तब तक मैं इसको जो है ना वो फ्राई करूँगी। ये देखें कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आ गया है। बस अब मैं इसको जो है ना बाहर निकाल लूँगी और आपको जो है ना मैं इसको सर्व करके दिखाऊँगी। ये देखें मैंने इसको सर्व कर दिया है और ये डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको, थोड़ी सी अलग रेसिपी है ये। आपको रेसिपी कैसे लगी है तो ज़रूर बताइएगा, ट्राई करें, पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।